केदारनाथ यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों के लिए प्रशासन ने एक नई पहल के तहत केदार गाथा नाम से एक ऐप जारी की है, जिसके जरिए तीर्थयात्रियों को छोटे बड़े सभी मंदिर और स्थानों की ऐतिहासिकता के बारे में जान सकते हैं। तीर्थयात्री गढ़वाली, कुमाऊं, नेपाली सहित 17 भाषाओं में केदार यात्रा की जानकारी ले पाएंगे। केदार गाथा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी पड़ाव हमारे पैदल मार्ग पे हों या फिर रुद्रप्रयाग से आगे जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, जैसे रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, इन सभी स्थानों के बारे में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको जानकारी मिल सके। तो वो जानकारी श्रद्धालुओं को देने के लिए अभी 17 भाषाओं में इस ऐप को लॉन्च किया गया है और जैसे ही यात्री रुद्रप्रयाग में प्रवेश करते हैं और इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो इसमें दो मोड रखे गए हैं, एक मैनुअल मोड है, एक ऑटोमेटिक मोड है। मैनुअल मोड में यात्री जिस भी स्थान के बारे में जानकारी लेना चाहेगा उस पर क्लिक करते ही उसे उस स्थान के बारे में यात्री की जो चुनी हुई भाषा है उसमें जानकारी दी जाएगी, और अगर यात्री ऑटोमेटिक मोड पर क्लिक करता है तो इसमें जियो फेंसिंग की गई है। जैसे ही यात्री किसी पड़ाव पर पहुंचता है और अगर उसका मोबाइल ऐप ऑन है तो ऑटोमेटिकली उसे उस स्थान के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कुल मिलाकर 14 पड़ाव हमने इसमें रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जगह जगहों पर लाउडस्पीकर सिस्टम भी लगाए गए हैं, अगर कोई यात्री कहीं भटक जाता है तो अनाउंसमेंट के जरिए उसकी मदद आसानी से की जा सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।